नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष कुमार गुप्ता आपका अपने चैनल होम्योक्योर पे बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आग्रह करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें तथा मुझे सजेस्ट करते रहें कि आपको किन विषयों पर वीडियो की आवश्यकता है। दोस्तों, आजकल बारिश का मौसम चल रहा है। बारिश के मौसम में अक्सर हमारे बच्चे भीग जाते हैं, जिसके कारण उनको सर्दी जुखाम की समस्या हो जाती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आज का जो टॉपिक है वो ये है कि भाई सर्दी जुखाम की समस्या से हम कैसे बचें। तो आज का टॉपिक सर्दी जुखाम के बारे में है। आज मैं उस पर चर्चा करूंगा कि उसके लिए आवश्यक होम्योपैथी दवाएं कौन सी हैं, उसके लक्षण क्या हैं और बचाव के तरीके क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जिसे आप कोराइजा या सर्दी जुखाम कह सकते हैं, ये मुख्य रूप से नेजल म्यूकोसा का इन्फ्लामेशन है। नेजल नाक के म्यूकस मेम्ब्रेन में जो है इन्फ्लामेशन आने के कारण हमारे नाक से निरंतर पानी गिरने लगता है। इस सूजन के कारण और पानी गिरने के कारण हमारे नाक के आसपास लाली भी बन जाती है और उसमें जो है दर्द शुरू हो जाता है। कई बार इसके कारण जो है हमको हल्का फुल्का बुखार और सरदर्द की समस्या हो जाती है। तो इस प्रकार से जो मिला जुला सिम्टम है इसे हम जो है कोराइजा कहते हैं या सर्दी जुखाम कहते हैं। इसमें कई बार जो है हमें बार बार छींक भी आती रहती है। अब इस कोराइजा के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको सर्दी जुखाम की समस्या है तो क्या इसमें किसी विशेष जांच की आवश्यकता है, किसी विशेष प्रिकॉशन की आवश्यकता है। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको सर्दी जुखाम किसी विशेष तरह की एलर्जी या किसी विशेष तरह के वस्तु से ना हो शुरू होती हो तो ये एक एक्यूट समस्या है। और ये एक एक्यूट समस्या अगर आप किसी विशेष प्रकार की दवा नहीं भी लेते हैं तो 4 से 5 दिन में सही हो जाती है। अब जहां तक दवाओं की बात है तो दवाओं में ये है कि अगर आपकी समस्या ठीक नहीं हो रही है, आपको बार बार सर्दी जुखाम हो जाता है, तो इसके लिए आपको होम्योपैथी में कुछ प्रमुख दवाएं जो मेरी जानकारी में हैं और जो बहुत ही इफेक्टिव है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसमें एक नंबर पे चलने वाली जो दवा है वो है नेट्रम मुरियाटिकम। तो नेट्रम मुरियाटिकम 30 का आप डाइल्यूशन बाजार से खरीद लें और नेट्रम मुरियाटिकम 30 डाइल्यूशन को 2-2 बूंद दिन में 4 बार अपने टंग पे लेते रहें। इसके साथ साथ अगर आपको बहुत ज्यादा छींक आ रही है और आपको फीवर जैसा लग रहा है तो इसमें जो है नंबर 2 पे चलने वाली जो दवा है वो है आर्सेनिक एल्बम 30। आर्सेनिक एल्बम 30 की दवा को भी आप डाइल्यूशन में ले लें और 2-2 बूंद दवा अपने टंग पे आप इस्तेमाल करते रहें। तो इस प्रकार से आर्सेनिक एल्बम 30 और नेट्रम म्यूर लेने से आपके सर्दी जुखाम की समस्या ठीक हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आपको फीवर के लक्षण, बदन दर्द के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं तो इसके लिए आप ब्रानिया क्यू का मदर टिंचर इस्तेमाल करें। ब्रानिया क्यू का मदर टिंचर आप 15 से 20 बूंद दवा आधे कप गुनगुनी पानी में डाल कम से कम दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ SBL और डॉक्टर रेगबर्ग में कोराइजा के लिए बायो कॉम्बिनेशन 5 मार्केट में उपलब्ध है। अधिक समस्या बढ़ने पर आप कोराइजा बायो कॉम्बिनेशन 5 बाजार से खरीद लें और इसमें 4-4 गोलियां दिन में 3 बार सेवन करें। तो इस प्रकार से अगर आप मेरे द्वारा बताई गई दवाओं का सेवन करते हैं तो आपको कोराइजा से, सर्दी जुखाम से बहुत हद तक लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं एक बात आपसे और शेयर करना चाहता हूं कि अगर आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को सर्दी जुखाम हो गया है, अगर वो डाइल्यूशन नहीं ले पाते हैं तो आप उनके लिए 40 नंबर गुलबुल्स में आर्सेनिक एल्बम 30 और ब्रानिया 30 को बनवा लें और उन्हें आवश्यकता अनुसार 4 से 6 गोली हर 6-6 घंटे पे दिन में 4 बार देते रहें। तो इससे उनको लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ बचाव के तरीके सर्दी जुखाम के लिए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, उन पे भी आप विचार करें और ध्यान दें। जिसमें नंबर 1 पे ये है कि अगर आप बारिश में भीग गए हैं तो आने घर पे आने पे सबसे पहले जो है अपने सर को टॉवल से खूब ठीक से पोंछ लें। साथ साथ भीगे कपड़े आप बिल्कुल ना पहने। अगर आपके कपड़े भीगे हैं तो उनको आप बदल दें। इसके साथ साथ फ्रिज का बहुत ज्यादा ठंडा पानी,
कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, बहुत ठंडी चीजें खाने से बचें। साथ साथ रात में ठंडी चीजें जैसे दही, चावल, केला, इन सब चीजों से आप परहेज करें। साथ में इस तरह से करने पे अगर गले में बहुत ज्यादा खराश भी है, सर्दी जुखाम के साथ साथ गले में खराश आ रहा है, तो आप गुनगुनी पानी से थोड़ा सा गलाला करें, तो इस प्रकार से जो है आपको सर्दी जुखाम की समस्या से निजात मिलेगी। धन्यवाद।